हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न, जो कि देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा है ये पैटर्न और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में इजीली डाल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से तैयार करना है हमने ये पैटर्न। ये मैंने यहाँ पे सैंपल रेडी करके रख दिया है और इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स मैंने शेयर कर रखे हैं और लास्ट वीडियोज़ में ये सारे पैटर्न्स मैंने अभी शेयर किए हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें लेने होते हैं 7 के मल्टीपल में फंदे। तो 7 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और गैपिंग के आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 फंदे गैपिंग के ले रही हूँ। पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, तो 2 फंदे मैं गैपिंग के ले रही हूँ इस तरह से, और 7 फंदों का ये पैटर्न है। तो देखिए अब क्या करना है, ये 1 2 सीधे ही बुन रही हूँ, 3 फंदे ये मेरे इस तरह से बन जाते हैं। और देखिए फिर नेक्स्ट जो हमारा फंदा है इसके ऊपर हमें जाली लगानी है। देखिए अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो में आपने देखिए 3 4 5 6 और 7, 7 फंदे इस तरह से आपने बुन लेने हैं। आपने गैपिंग के स्टार्टिंग से आप ऐसे ही करोगे, रो नंबर फर्स्ट आपकी ऐसी ही रहेगी। तो जितने भी आप फंदे लगाने चाहें गैपिंग के आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो मैं 2 2 कर रही हूँ, इसके बाद फिर से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अगेन फिर 2 फंदे हमारे गैपिंग के। तो आपने इसी तरह से अपनी रो नंबर 1 बना लेनी है, 3 4 5 6 और ये 7, और 2 रह गए ये गैपिंग के। अब उल्टी रो में देखिए, उल्टी रो में क्या करना है, जो आपके उल्टे फंदे होंगे उन्हें उल्टा बुनना है, जो सीधे फंदे होंगे उन्हें आपने सीधा बुनना है। इस बात का ध्यान आपको हर एक उल्टी रो में देना होगा, मैं आपको उल्टी रो नहीं बताऊंगी। तो ये देखिए जैसे ये सीधा फंदा है तो सीधा ही बुनेंगे, और सीधे भी वही होंगे जो आपने गैपिंग के रखे हैं। देखिए दो, जो आपने 2 2 फंदे गैपिंग के रखे हैं वही आपको यहाँ पे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप खुद से बना लोगे उल्टी वाली रो। तो ये देखिए ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने थे, गैपिंग के रखे थे, तो यहाँ पे ये सीधे बन जाएंगे। बस इसी तरह से आपने ये उल्टी वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखिए अब हम पहुँच गए हैं सीधी वाली रो में। अब क्या करना है, पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, 2 फंदे गैपिंग के हैं, इनको उल्टा बना लूँगी। और इसके बाद देखिए अब क्या करना है, पहले 3 फंदों को हम बुन लेंगे सीधा, 2 और ये 3, 3 फंदों को सीधा बुन लिया, और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये चौथे नंबर का जो फंदा है इसके ऊपर जाली लगाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट फिर से यहाँ पे 2 जालियाँ एक साथ डलेंगी, देखिए धागा अपनी तरफ किया और फिर फंदे पे हमने जाली लगा ली पीछे की तरफ बुन के। अब ये 1 हमारा हो गया यहाँ पे, और ये 2 और ये 3, तो 3 हमारे इधर को रह गए, 3 इधर को, और चौथे नंबर का ये बीच में आपको इस तरह से सीधा दिखाई देगा। तो बाकी जैसे हैं वैसे ही बुनते चलेंगे, 2 ये मेरे उल्टे हैं इनको उल्टा बुन लिया। फिर से अगर आपको पता नहीं चला फिर से देखिए, 1 2 और 3, 3 को बुनने के बाद हमने चौथे पे लगाई जाली इस तरह से, और फिर से नेक्स्ट जो हमारा 5वें नंबर का फंदा है उसके ऊपर भी हमने लगा ली है जाली, और 6ठा और 7वां बुन लेंगे सीधा ही। बस यही चीज़ अब आपको पूरी की पूरी रो में रिपीट कर लेनी है। ये देखिए फिर से देख, मेरे यहाँ पे ज़्यादा फंदे लिए हुए थे, जो पिछला पैटर्न था ना उसमें ज़्यादा ही फंदे की ज़रूरत थी, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे भी किया है। उसी पैटर्न पे मैं मतलब आगे को कंटिन्यू होगी इस वजह से, नहीं तो मैं लिमिटेड ही फंदे लेती हूँ ताकि कम से कम टाइम में आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अब इसके बाद देखिए उल्टी रो हम वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, जो 2 हमने उल्टे बुने हैं फंदे उनको सीधा बनाएंगे और बाकी उल्टे ही रहेंगे। अब देखिए अगेन हम पहुंच गए हैं सीधी वाली रो में उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद। उल्टी रो में ध्यान दीजिएगा, जाली वाली फंदे भी आपके उल्टे ही रहेंगे। तो ये 2 फंदे गैपिंग के हैं, उल्टे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद धागा पीछे की तरफ करते हुए 1 2
और ये तीन, तो तीन फंदे अब हमने ये इस तरह से सीधे बुन लिए हैं। नेक्स्ट अब ये जाली के साथ ही जाली डालेंगे, तो इसके ऊपर हमने ये जाली लगा ली है इस तरह से। फिर ये फिर से एक और ये दो फंदे हमने बुन लिए, उसके बाद हम जाली लगाएंगे इस तरह से, और ये दो फंदे सीधे ही बना लेंगे। तो ये मतलब जाली आप यहाँ से देखिए, जाली इधर इधर को शिफ्ट होती जाएगी। अब आप सोचोगे कि ये जो हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ रहे हैं जाली के डालने से, उनका क्या करना है? उनको हम देखिए बाद में कम करेंगे, अभी नहीं। तभी ये इस तरह से फ्लावर सा बन के इस तरह से देखिए बनता है, बहुत ही प्यारा सा लगता है, तो तभी बनता है। उनको हम बाद में इस तरह से कम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया अच्छे से, तो देखिए दो फंदे फिर से, क्योंकि वही चीज़ रिपीट है, दो फंदे गैपिंग के हैं, उल्टे बना लिए। और देखिए एक दो और तीन फंदों को बुनने के बाद हमने ये इस जाली के साथ ही जाली लगाई है चौथे नंबर के फंदे पे, और ये पांचवा और ये छठा हमने सीधा ही बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और सातवां के ऊपर लगाएंगे जाली, और ये आठ और ये नौ, क्योंकि पिछली रो में हमारे दो फंदे बढ़ गए थे जो दो जालियाँ डालने से। तो इस तरह से फिर से अगेन वही चीज़ है, दो फंदे उल्टे हैं। और नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, एक दो तीन फंदों को हमने सीधा बुना, चौथे के ऊपर लगाई जाली, पांचवा और छठा फंदा सीधा ही बुन लिया। इसके बाद अगेन सातवें फंदे पे लगाई जाली, आठ और नौ फिर से सीधा ही बुन लिया, क्योंकि पहले पैटर्न किया था स्टार्ट सात फंदों से, दो बढ़ गए थे और इस बार फिर से दो बढ़ गए होंगे। तो उल्टी रो अब आपको फिर से वैसे ही बना लेनी है। उल्टी रो में आपको देख के चलना होगा, जो सीधा फंदा है उसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है उल्टा बनाएंगे। तो सीधे आपके सिर्फ दो दो ही रहते हैं जो कि आपने गैपिंग के बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये देखिए चाली वाले फंदे हैं, इनको भी हमने उल्टा ही बना लेना है। तो ये आप मैं अब कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं सीधी वाली रो में। तो इसमें पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, दो फंदे गैपिंग के हैं, इनको मैं उल्टा बुन लूँगी। अब धागा पीछे की तरफ कर लेंगे और ये एक दो तीन, तीन फंदों को मैंने ये सीधा ही बुन लिया है, और फिर इसके बाद ये चौथे नंबर के फंदे पे लगा लूँगी जाली, और फिर पाँच छः सात और ये आठ फंदे अब हमने बुन चुके हैं, नौवे फंदे पे लगा दूंगी जाली, और ये 10 और ये 11। तो 11 फंदे अब हमारे ये बन चुके हैं। पहले स्टार्टिंग में हमने कितने से स्टार्ट किया था? हमने सात फंदों से यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो फिर एक जाली डालने से, एक जाली डाली हमने, तो एक यहाँ पे बढ़ा, एक यहाँ पे 9 हो गए, फिर दूसरी जाली 11 हो गए, और अब ये तीसरी जाली हमने डाली है, तो अब ये दो हमारे और बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो 13 फंदे हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। मैं काउंटिंग करके बता देती हूँ, 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 फंदे अब हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। तीन ही जालियाँ हम डालते हैं, तो तीन जालियाँ मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। इसके बाद दो उल्टे फंदे हैं गैपिंग के, वो बना लेंगे। फिर से तीन फंदे हमने ये सीधे बुन लिए हैं, तीसरे फंदे तीन बुनने के बाद चौथे पे लगाएंगे जाली, बस वही चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। फिर ये पाँच छः सात आठ, आठ फंदे बुनने के बाद नौवे फंदे पे फिर से लगाई हमने जाली, 10 और ये 11। तो इस तरह से हमारे लगातार फंदे बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वाली रो में अब हम इन फंदों को जो हमने बढ़ा लिए हैं इनको कम करेंगे। अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लीजिए, तीन फंदों को पहले हम सीधा ही बुन लेंगे, चौथे के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे जाली, फिर ये आगे इंक्रीज हो गए, पाँच छः सात और ये आठ टोटल मतलब। उसके बाद धागा अपनी तरफ करते हुए नौवे फंदे पे जाली लगाई, 10 और 11 को सीधा ही बुन लिया। नेक्स्ट हमारे उल्टे हैं तो उल्टा ही बुन लिया, और इसके बाद उल्टी रो आ जाती है, तो उल्टी रो एज इट इज़ हमने बुन लेनी है। फिर मैं बताती हूँ कि अब ये जो बड़े हुए फंदे हैं इनका हमने क्या करना है। तो पहले मैं उल्टी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। तो अब ये तीन जालियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं बनके। अब मैं पहुँच गई हूँ सीधी वाली रो में। अब देखिए क्या करना है हमने। पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, दो फंदों पे ये उल्टे हैं गैपिंग के। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, ये जो चार फंदे हैं अब हमने इनको एक साथ बुन लेना है।
तो क्योंकि तीन तीन फंदे हमारे यहाँ, तीन जालियाँ डालने से तीन इधर को बढ़ चुके हैं, तो हमने तीन ही कम करने हैं। तो देखिए, अगर आपको इस तरह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से कीजिए, पहले फर्स्ट फंदे को बुन लीजिए और जो बाकी तीन फंदे हैं इसके ऊपर ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि तीन कम करने हैं ना। तो एक दो और ये तीन, तीन फंदे इस तरह से हमने ड्रॉप कर लिए, धागे को अच्छे से कस लिया। अब बाकी हम फिर से वैसे ही बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदे हमने फिर से बुन लिए हैं। अब ये देखिए, जो एंड के चार हैं ये भी हमने कम करने हैं। तो पहले फंदे को आप इस तरह से बुन लीजिए और तीन इसके ऊपर से ला करके ड्रॉप कर लीजिए, एक दो और ये तीन। तो इस तरह से अब हमने ये कम कर लिए। आगे फिर से बस वही चीज़ आपकी रिपीट होती चलेगी। दो फंदे गैपिंग के हैं, फिर से हमने तीन फंदों को कम करना है। तो पहले फंदे को बुन लीजिए और तीन इसके ऊपर ला करके इस तरीके से ड्रॉप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आप हमने सीधे ही बुन लेने हैं, और एंड के जो चार हैं उनमें भी हमने कुछ इसी तरह से करना है। तो ये बीच वाले हमने बुन लिए और एंड का ये पहला हमने बुन लिया, उसके बाद ये तीन इसके ऊपर से ला करके ड्रॉप कर लिए। इस तरह से इजी रह जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती। और दो फंदे फिर से आप उल्टे बना लोगे और आगे को बस वही चीज़ आपकी रिपीट हो रही है। तो बस यही है आपका पैटर्न। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये देखिए, अब हमारा ये पैटर्न इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। और आपको दोबारा से अब वही रो वन जो है आपकी, वही रिपीट करनी है। तो देखिए कैसे करना है, दो फंदे हमारे गैपिंग के हैं, उल्टे बना लेंगे और फिर से तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक दो और ये तीन। तीन फंदे सीधे बनाने के बाद चौथे पे लगाते हैं हम जाली, और फिर से पाँचवें पे भी जाली लगती है, और ये छठा नंबर का फंदा और सातवें नंबर का फंदा हम सीधा ही बुन लेते हैं। बस आपको अब फिर से वही चीज़ आपकी चल पड़ी, वही तीन जालियाँ आप डालोगे, और तीन जालियाँ डालने के बाद जो नेक्स्ट सीधी रो आएगी उसमें आप उसको जो बड़े हुए फंदे होंगे उनको कम कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से फिर ये आपका पैटर्न बन के रेडी होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।